हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 19 हम लोगों ने स्टार्ट किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चांसलरी बोर्ड में, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 से। चलिए देखते हैं क्या करता है क्वेश्चन नंबर 3। बिल्स ऑफ परचेज इज ड्रॉन बाय, बिल्स ऑफ परचेज कौन ड्रॉ करता है, एक ही सवाल है। और बिल ऑफ एक्सचेंज, कौन ड्रॉ करता है, बाय ऑप्शन ए आपका करता है। डेटर बी, क्रेडिटर सी, बोथ या बोथ ऑफ देम और डी अभी आपका नॉन नोटिस। तो बिल्स ऑफ परचेज जो है वो कौन ड्रॉ करता है ये पूछा गया है। ये हो गया सेलर, ये हो गया बायर। क्रेडिट सेल किया गया है, उधार में बेचा गया है सामान, क्रेडिट सेल किया गया, तो ये कहलाएगा आपका, ये हो गया क्रेडिटर और ये हो गया आपका बायर जो है वो कहलाएगा डेटर। ये पैसा देगा और ये पैसा ये लेनदार को ये देते, ये हो गया आपका डेटर। तो बोलता है कि कौन ड्रॉ करता है, तो ये हो गया सेलर। सेलर को क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज केस में ड्रॉअर, और इसको बोलते हैं जिसके ऊपर ड्रॉ किया गया है वो है ड्राई, और जिसको पे किया गया है वो पे। तो कौन ड्रॉ करता है, क्रेडिटर। क्रेडिटर ये ड्रॉ करता है डेटर यानी बायर यानी ड्रॉय के ऊपर, तो यहाँ बोल जाएगा क्रेडिटर। ठीक है, कौन ड्रॉ करता है, सेलर। कौन ड्रॉ करता है, ड्रॉअर। तो यहाँ पर अगर सेलर भी दे देगा तो सेलर को भी टिक कर दीजिएगा, या क्रेडिटर दिया तो क्रेडिटर को या ड्रॉअर दिया तो ड्रॉअर को। ठीक है, यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकता है सेलर या फिर आपका कर सकता है ड्रॉअर। कौन ड्रॉ करता है, तो ड्रॉअर करता है, सेलर करता है, क्रेडिटर करता है, ये सब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। फिलहाल जो ऑप्शन में वही लग लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी डेज आर अलाउड एज डेज ऑफ ग्रेस फॉर द पेमेंट ऑफ अ बिल। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। चलिए कितना आपको जो है डेज ऑफ ग्रेस जो है यहाँ पर मिलता है, तो डेज ऑफ ग्रेस जो है आपको 3 दिन का यहाँ पर मिलता है। मैच्योरिटी डेट जो भी आपका जो बनता है वो 3 डेज ऑफ ग्रेस को मिला करके ही बनता है। जिससे अगर हम आपके क्वेश्चन सॉल्व करवाएं, क्वेश्चन अगर आप निकालते हैं कोई सा नहीं कर सकते हैं, एक जनवरी 2017 को कोई बिल ड्रॉ किया गया और 2 महीने के बाद इसका मैच्योरिटी डेट आएगा, तो ये हो गया आपका 2 जनवरी से 1 फरवरी 2017, ये पहला मंथ। और दूसरा मंथ रहेंगे 1 मार्च
2017, ठीक है, ये दूसरा मंथ। 1 मार्च 2017 हो गया, इसमें 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस जोड़ते हैं, 3 दिन बढ़ा करके, तो ये हो जाएगा 4 मार्च 2017। ये डेट ऑफ मैच्योरिटी या ड्यू डेट आपका खत्म है 4 मार्च 2017। तो कितने नंबर ऑफ डेज को हम इसमें ऐड करते हैं जिसको हम डेज ऑफ ग्रेस कहते हैं, वो क्या है आपका, मतलब वो है आपका 3 दिन हम एक्स्ट्रा इसमें जोड़ते हैं। जैसे मैच्योरिटी डेट होना चाहिए था 1 तारीख को, तो मैंने कहा 1 मार्च को, लेकिन 3 दिन एक्स्ट्रा हम इसमें जोड़ते हैं, तो मैच्योरिटी डेट जो बनता है वो 4 मार्च 2017 का आपका बनता है। यही आपका कराता है 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस। ये कितने दिन का होता है? 3 दिन का, तो इसको बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। एक पीरियड दिया जाता है कि चलिए 3 दिन आपका और दिया हमने, है ना, इसके बीच में आप जो है कर दो, तो मतलब 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस दिया जाता है कि चलिए ठीक है, जो मेचोरिटी डेट 1 मार्च आ रहा है 3 दिन और दिया जाता है, तो 4 तारीख को आपको पक्का बिल का पेमेंट कर देना है, यानी डेटर बायर या फिर आप बोलिए डेटर बोलिए, बायर बोलिए या फिर ड्रॉई बोलिए, उसको पैसा पे कर पाता है। तो 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस यहाँ पे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, when a bill is endorsed, credit is given, यानी क्रेडिट बोल रहा है किसको करेंगे, यही मतलब है इसका। ऑप्शन ए, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, जिसको शॉर्ट में क्या बोलेगा, बी आर अकाउंट, बी इंडोसी अकाउंट, सी एक्सेप्टर अकाउंट, और डी करता है ऑल ऑफ डी करता हो गया ऑल ऑफ। अब क्या है कि बिल का एंडोर्समेंट ऑफ बिल किसे कहते हैं, एंडोर्समेंट ऑफ बिल मतलब क्या हो गया कि आपने, आपके पास जो बिल है आपको किसी और को पेमेंट करना होगा, तो क्या कर दिया आपने, बिल को एंडोर्स कर दिया, तो बोलता है कि क्रेडिट किसे करेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। बिल्स इंडोर्स किया गया है, बुक्स ऑफ ड्रॉ यानी इसको हम एस बोलते हैं सेलर, बुक्स ऑफ ड्रॉइंग जिसको हम बायर बोलते हैं, अब जान ही रहे हो किसको आप डेटर बोलिए, बायर बोलिए या ड्रॉई बोलिए, क्रेडिटर बोलिए, सेलर बोलिए या फिर ड्रॉअर बोलिए,
और एक तो जगह यहाँ पर आपका इंडोसी बुक्स ऑफ या नाम दे देते हैं इंडोसी का जेड, ठीक है, मान लो कि जेड जो है वो इंडोसी है। तो यहाँ पर क्या है कि ये बिल को इसके ऊपर ड्रॉ करेगा, देखिए इसने क्या क्या सामान बेचा, तो बी टू सेल्स अकाउंट बन गया 10,000 का, मान लेते अमाउंट 10,000। इसने क्या किया, परचेस किया, तो ये एंट्री बनाएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू किससे, पता एस से, सेलर का नाम दे दिया। और ये क्या एंट्री बनाएगा, इस समय कुछ नहीं बनाएगा, इसने थोड़ी परचेस किया या सेल किया, ये एंडोर्सी है। तो अब क्या हुआ कि अब करेगा बिल बनाएगा, बिल बनाएगा, तो ये यहाँ पर एंट्री होगा बिल्स रिसीवर अकाउंट डेबिट टू आपका ड्रॉई यानी बी, और ये करेगा सेल्स यानी सेलर अकाउंट यानी ड्रॉयर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेलर, ठीक है, 10,000 रुपये का बिल बन गया। ये बिल बन गया, अब बिल बनाने समय इसका कोई एंट्री नहीं, ये कोई एंट्री पास नहीं करेगा। अब ये जो बिल है वो दे देगा किसको, दे देगा आपको, देगा जेड को। ये वाला जो बिल यहाँ पे बना है, ये जो बिल यहाँ पे बना है, ये किसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, देखो जेड को, जेड को क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, ऐसे हम फिगर बनाते हैं, ये बायर है, ठीक है, 10,000 का उधार में सामान बेचा था, तो एक बिल के थ्रू 10,000 का बिल का पेमेंट इसको मिलना है। ये बिल इसके पास है, ये बिल किसको दे दिया, इसने जिसको उधार दिया था, क्योंकि ये लीगल पैसा दिया गया, ये बिल अभी किसके हैंड में है, सेलर या फिर बोलिए ड्रॉअर के हैंड में है। अब ये क्या किया, ये बिल दे दिया जेड को, ठीक है, ये बिल किसको दे दिया, जेड, ये जेड कौन था, तो इसका क्रेडिटर था, यानी ये बिल इसको पैसा पे करना था 10,000 इसको, मान लो जेड को, तो ये क्या किया, पैसा नहीं हो, पैसा ना देखकर क्या दे दिया, बिल दे दिया, एक ही बात है ना, कैश देता बोलता कि ठीक है लो, एक ही बात नहीं हुआ, बात ये हो गया कैश दे दिया तो तुरंत उसके पास कैश आ गया। अब बिल इसको दे दिया, जो ये लीगल पेपर है 10,000 का, जब मैच्योरिटी डेट आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पेमेंट किसको मिलेगा, जेड को मिल जाएगा। तो बिल को क्या किया, एंडोर्स किया गया, ये आगे भी बिल एंडोर्स कर सकता है किसी और को, तो इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। और बिल जिसको एंडोर्स किया गया, तो ये एंडोर्स किसने किया, तो ड्रॉवर ने यहाँ पे एंडोर्स किया, तो इसको हम कह सकते हैं एंडोर, एंडोसर कह सकते हैं, एंडोसर, और ये हो जाएगा आपका एंडोर्सी, इसको बोलेंगे एंडोर्सी, जिसने बिल दिया हो एंडोर्सर, जिसने बिल लिया हो एंडोर्सी, क्लियर हो गया बात। अब चलिए कैसे एंट्री इसका बनेगा वो देखते हैं। ये बिल को ट्रांसफर दे देगा किसको, देगा जेड को देगा, तो जेड यहां पर ये एंट्री करेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, ड्रॉ जेड डेबिट बैलेंस रिसीवर, और क्या चला गया इसके पास से, बिल्स रिसीवर, तो एसेट कम हो गया, पहले एसेट था अब घट गया, तो एसेट था तो डेबिट, घट गया तो क्रेडिट, और गया किसको, डेबिट दर से का जेड को, तो ये हो गया एंडोर्समेंट का एंट्री, ये एंडोर्स कर दिया। ये क्या एंट्री करेगा, कुछ नहीं करेगा, ये तो मैच्योरिटी डेट के दिन पैसा देगा, ये एंडोर्समेंट के समय के डेट के दिन ये कुछ एंट्री नहीं करेगा, ये पेमेंट के दिन एंट्री करेगा। अच्छा ये क्या करेगा, इसको बिल मिला तो इसके लिए एसेट हो गया, ये एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इसके लिए मिला गया इसके पास, तो बिल्स रिसीवेबल इसके लिए एसेट हो गया, और दिया किसने, एस ने, यहां पे लिखेगा एस, ठीक है, ये एंट्री बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम समझ लेते हैं इस बात को, फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अच्छा अब क्या है कि जिस दिन मैच्योरिटी डेट आएगा, पेमेंट का दिन आएगा, उस दिन क्या करेगा, अब चलो मैच्योरिटी डेट आ गया है, पेमेंट का डेट आ गया है, अब क्या करेगा, पेमेंट के इसके पास बिल है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो ये क्या पेमेंट के दिन कोई एंट्री करेगा, नहीं, पैसा इसको नहीं आएगा। अच्छा पेमेंट के दिन यानी मैच्योरिटी डेट के दिन ये क्या एंट्री करेगा, ये करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, है ना, एस अकाउंट, इसको क्या करना है, अच्छा सॉरी, ये बिल पेमेंट करने के दिन क्या करेगा, बिल्स पेबल लायबिलिटी घट गया और बैंक से पैसा चला जाएगा, तो ये एंट्री बनेगा, किसको पैसा जाना है, बैंक से, तो अब जाएगा पैसा एंडोर्सी को यानी जेड को, तो इसका लायबिलिटी खत्म, इसका लायबिलिटी खत्म, इसने बैंक से पैसा पे कर दिया, ठीक
तो ये एंट्री बनेगा इस डेट को, हाँ, और ये एंट्री क्या करेगा, इसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, ये बनेगा 10,000, ये एंट्री बनेगा, हो गया, ये एंट्री मेजोरिटी डेट के लिए कुछ भी नहीं बनेगा। अगर बिल इसके पास होता, पैसा इसके पास होता आता, तो यहाँ पर बोलता ये बनाता बैंक ऑन डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, ये करता, लेकिन वही काम किसने किया, एंडोर्सी ने किया और जेड ने किया, तो ये तरीका है आपका सारा, ये लेन देन सारा तरीका है एंडोर्समेंट का। खैर, अब पूछता है कि बिल को एंडोर्स किया गया, तो क्रेडिट बिल भी कौन एंडोर्स किया, एंडोर्सर यानी आपका ड्रॉअर, जब एंडोर्स किया तो बोलता है कि क्रेडिट इज गिवन टू, मतलब क्रेडिट क्या करेंगे, तो क्रेडिट देखिए जब एंडोर्समेंट पे ये वाला एंट्री है, क्रेडिट किसको करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, तो यहां पर हम खोजिए बिल्स रिसीवेबल है, हां इसको बोलता है डेबिट किसको करेंगे, डेबिट फिर हम करते हैं यहां पे जेड को, मतलब एंडोर्सी को, तो यहां लिखा डेबिट इज गिवन टू, डेबिट किसको करते हैं, अगर ऐसा लिखता तो फिर एंडोर्सर को, एंडोर्सी को हम यहां पर डेबिट करते हैं, डी कौन है यहां पर, सॉरी जेड कौन है मेरा, एंडोर्सी है, तो एंडोर्सी को हम डेबिट करते हैं, क्रेडिट पूछा था तो बिल्स रिसीवेबल को हम यहां पे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अगर अगर पूछता कि एंडोर्सी क्या करेगा, जिस दिन बिल ट्रांसफर हुआ है एंडोर्सी क्या करेगा, तो बिल्स रिसीवर को डेबिट करेगा और एंडोर्सर को, यानी जो एंडोर्सर इसके केस में तो ये एंडोर्सर कराएगा, ड्रॉ नहीं कराएगा, अगर जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए तो एस कौन है, क्या ड्रॉअर है, ड्रॉअर नहीं है, ड्रॉयर, ड्रॉअर तो ड्रॉय के लिए हो गया, मतलब बायर के लिए हो गया, इसने बिल इसको ट्रांसफर किया है, तो जेड के लिए एस कौन है, वो एंडोर्सर है, और एस के लिए जेड कौन है, एंडोर्सी है, ठीक है ना, तो ये बोलेगा कि बिल मिला और किसने दिया, तो एंडोर्सर ने दिया है ना, एंडोर्सर मतलब एस। ये क्लियर हो गया आपका, इसको हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, कितने पार्टीज होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पूछा है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते हैं, 3 पार्टी होते हैं, कौन कौन, एक हो गया आपका ड्रॉअर जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया, ड्रॉय और जिसको पेमेंट किया गया वो पे, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट है, ड्रॉ ड्रॉय पे, ए होता है प्रॉमिसरी नोट में कितने पार्टी होते हैं, तो प्रॉमिसरी नोट में आपके 2 पार्टी होते हैं, एक हो जाएगा आपका मेकर और दूसरा हो जाएगा आपका पे, ये होगा।
अगला टॉपिक जो है आपका आएगा, आता है तो सब कुछ आपका तो इसमें लाइन से दिया हुआ है। इसके बाद जो है आपका वो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल आएगा, एंडोर्समेंट हो गया। अब अगर बिल को डिस्काउंट करवाते हैं तब क्या एंट्री यहाँ पर पास होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए जाता है बुक्स ऑफ ड्रॉ, ऐसे बोलेंगे इसको हम बुक्स ऑफ ड्रॉइंग बी कहेंगे इसको। इसने सेल किया बी टू सेल्स 10,000, 10,000। इसने परचेस किया purchase account debit 2S 10,000। bill bana bills receivable account debit 2B 10,000। यहाँ पर bill जो है इसके हिसाब से S 2 bills payable account 10,000। ये हो क्या, अब ये मेच्योरिटी डेट के दिन पैसा देगा तो क्या बनेगा, मेच्योरिटी डेट के दिन ये ड्रॉई पैसा देगा तो बिल्स पेबल टू बैंक ये एंट्री करेगा। लेकिन ये क्या किया, बिल इसके पास था और इसने बिल को बैंक में जाकर डिस्काउंट कर दिया, लीगल पे कर बैंक डिस्काउंट कर देगा। डिस्काउंट ऑफ द बिल को लेकर के कौन गया, ड्रॉअर सेलर गया बैंक में, बोला इसको डिस्काउंट कर दीजिए। डिस्काउंट का मतलब हमको अभी पैसा चाहिए, अभी पैसा दे दीजिए, जब मेच्योरिटी डेट होगा तो आप पैसा दे दीजिएगा। बैंक बैंक वाला तो फ्री में काम करेगा नहीं, वो क्या करेगा डिस्काउंटिंग चार्जेस दे देगा। तो इसने बिल को क्या किया, भेज दिया बैंक में, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट एक एसेट कम हो गया, कितने का 10,000 मान लेते हैं। और ये बैंक अकाउंट करेगा डेबिट, ये एंट्री पास करेगा और यहाँ पर मान लीजिए डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट होगा, मान लीजिए 1,000 का डिस्काउंटिंग चार्जेस 9,000 इसको दे दिए, ठीक है ये एंट्री। अगर ये बिल डिस्काउंट कराया गया लेकिन क्या हुआ कि ये बिल डिसऑनर हो गया, इसी वजह से क्या हो गया इस बिल का ऑनर नहीं हुआ, डिसऑनर हो गया, तब क्या एंट्री पास होगा, तब बोलता है कि क्रेडिट बिल भी किसको करेंगे, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और यहाँ पर डिस्काउंटिंग चार्जेस क्रेडिट और बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है दोनों क्रेडिट हो जाएगा। तो बोलता है क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट यहाँ पे बैंक अकाउंट को करेंगे, ठीक है ना, यही होना चाहिए। अगर बिल जो है मान लीजिए अच्छा डिस्काउंट करवा दिया, ठीक है, और ये एंट्री किया तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को फिर हम यहाँ पर कर देंगे। अच्छा ठीक है, बिल क्या हो गया डिसऑनर्ड हो गया, तो यहाँ पर किसको क्रेडिट करेंगे बैंक अकाउंट, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पर
बैंक अकाउंट, रिवर्स कर देंगे एंट्री को, तो बोलता है क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट कर देंगे बैंक अकाउंट को, ठीक है ना। तो ये एंट्री कैंसिल हो जाएगा और फिर बी आर को बी बचेगा, यानी जो आपका जिसको पैसा देना है यानी बी को, वो फिर से पैसा देगा, तो उसको एंट्री को रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो आज तक यही बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।